सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा की जांच वाली याचिकाओं पर सुनवाई से किया इनकार। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व दर्ज करने की दी अनुमति। विदेश मंत्रालय ने किसान आंदोलन पर बयानबाजी करने वाले विदेशी सेलिब्रिटीज को दी कड़ी नसीहत, कहा बिना जानकारी के न करें अनावश्यक बयानबाजी। संसद में पर्याप्त चर्चा के बाद ही पारित हुए हैं किसान बिल। बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एयरो इंडिया शुरू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया इसका शुभारंभ। एयर शो में तीनों सेना प्रमुख और कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक चौरी चौरा घटना के 100 साल पूरा होने के सिलसिले में कार्यक्रम के आयोजन की तैयारियां जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साल भर चलने वाले इन कार्यक्रमों का करेंगे उद्घाटन। गोवर्धन गतिविधि से संबंधित पोर्टल का उद्घाटन, कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र सिंह तोमर रहे मौजूद। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज भी हुई चर्चा, राज्यसभा की कार्यवाही में विघ्न डालने के लिए आम आदमी पार्टी के 3 सांसद संजय सिंह, सुशील कुमार गुप्ता और एनडी गुप्ता को एक दिन के लिए राज्यसभा की कार्यवाही से किया निष्कासित। देश में 41,38,000 से अधिक लोगों को अब तक लगाए जा चुके हैं कोविड-19 के टीके। कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 0 होने के साथ ही देश का पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बना अंडमान निकोबार द्वीप समूह। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद हाल के घटनाक्रमों के मद्देनजर भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर अनावश्यक यात्रा से बचने की दी सलाह। यंगून, नई दिल्ली, एयर इंडिया की उड़ान में भी किया फेरबदल। अब खबरें खेल जगत से। भारत के विकेटकीपर और बल्लेबाज ऋषभ पंत को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए किया नामांकित। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट और आयरलैंड के पॉल स्टिरलिंग को भी इस पुरस्कार के लिए चुना गया।